कपास बिजाई के लिए काम देती है सर, जिसको नरमा भी बोलते हैं कुछ एक लोग, ठीक है। अमूमन किसान 2 से 2.5 थैली डालता है जी एक एकड़ के अंदर, ठीक है। वहाँ ये सिर्फ एक थैली में भी बीज बचने की उम्मीद है। किसान साथियों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त सुनील मलिक और आप देख रहे हो अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा की भिवानी के अंदर एक किसान एवं पशु मेले का आयोजन किया गया है। पूरे भारत के कोने कोने से किसान भाई आज यहाँ पहुँचे हैं और किसान भाइयों के आकर्षण का मुख्य केंद्र रहे इनके कुछ कृषि इंप्लीमेंट हैं, इनके बारे में हम जानेंगे क्या कुछ ये काम में आते हैं, क्या कुछ प्राइज में मिल जाएंगे और कहाँ कहाँ किसानों को उपलब्ध हो सकते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम जी। सर एक बार अपना परिचय करवा दो हमारे दर्शकों को। सर मैं जितेंद्र वालिया, एलू वालिया इंटरप्राइजेस, पिलानी रोड लोहारू से। सर आपके हाथ में जो मशीन है क्या काम आती है? ये सर एक छोटी सी मशीन है और बहुत ही कारगर मशीन है ये जी। ये कपास बिजाई के लिए काम देती है सर, जिसको नरमा भी बोलते हैं कुछ एक लोग, ठीक है। इसकी सहायता से इसमें डबल बैरल होते हैं सर जी। एक ये इसमें खाद डाल सकते हैं, इसमें बीज डाल सकते हैं जी। हम दोनों एक साथ हो जाएंगे? हाँ दोनों एक साथ हो जाएंगे। इसमें जैसे ही हम पंच करेंगे इसको जमीन के अंदर, अभी आपको मैं चला के दिखाऊंगा, तो ये कुछ ऐसे इस टाइप से काम करेगी। ये नोज खोल देता है? हाँ ये नोज खोलेगा और एक बीज डाल देगा और साथ में थोड़ी सी खाद जितनी की एक बीज को चाहिए जी। ये वेस्टेज बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। यानी पौधे के जो पास में ही खाद डल जाएगी साथ में जी। इसके अंदर क्या रहता है कि इसके अंदर फायदा ये होता है कि किसान जो बिजाई करता है तो उसको लगभग एक एकड़ के अंदर 2 से 2.5 थैली का मतलब जो बीज की है वो लगती है, और इसके अंदर आपको एक थैली में से भी बीज बचेंगे जी। यानी जहाँ हरियाणा के अंदर किसान नरमे की 2-2.5 थैली डाल देते हैं एक किले में, वहाँ एक थैली में काम चल जाएगा, एक थैली में भी बीज बचने की मतलब अपने को बचेंगे कुछ ना कुछ बीज सर। और खाद जो है मैक्सिमम 3 किलो खाद आपको एक कट्टा जो हम अपने एकड़ में डालते हैं उससे ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि इससे वेस्टेज नहीं होएगा। जैसे ट्रैक्टर से हम चलाते हैं तो उसके अंदर एक लाइन में खाद बीजती जाती है, चाहे वहाँ बीज हो चाहे ना हो। अब इसमें कहाँ, जहाँ बीज होगा उसी के जस्ट बगल में खाद आएगी, ठीक है। एडजस्टमेंट रहती है इसके अंदर, यहाँ से खाद की एडजस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से हम बीज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कितना डालना चाहते हैं? हाँ इसमें अगर चाहते हैं हम एक बीज डालना तो एक बीज डलेगा, अगर 2 चाहते हैं तो 2 डलेगा और 3 चाहते हैं तो 3 डलेंगे। ये चीज़ होती है, इसको यहाँ से निकाल देंगे 3 बीज डलेंगे, इसको यहाँ डाल देंगे 2 डलेंगे, और अगर यहाँ डाल देंगे तो एक ही डलेगा, एक डलेगा सर। हाँ अब जैसे मैं आपसे जानना चाहूँ कि ये जो इम्प्लीमेंट्स है क्या कुछ कॉस्ट में उपलब्ध होगा? सर इसकी कीमत 2200 रुपये रहती है सर हमारी जी, डबल बैरल की सर। और इसके अंदर एक और भी स्पेशल चीज़ है, जैसे हम बीज से बीज की गैप जो है अगर उसको मेंटेन करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको जैसे ही जमीन पे हम पंच करेंगे इसको चलाने का जो तरीका रहता है वो ये रहता है, निशान बन गया अपना, वहीं पे हम इसको दोबारा पंच कर सकते हैं, फिर आगे निशान बन गया, फिर यहीं पे हम दोबारा पंच कर सकते हैं। अगर हम इस गैप को डबल करना चाहें तो इसको छोड़ के हम यहाँ पे खाली पंच भी कर सकते हैं, यहाँ पे पंच करके हम यहाँ से फिर दोबारा पंच कर सकते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, यानी दो पौधे से पौधे की दूरी इसमें मेंटेन हो जाएगी? मेंटेन हो जाएगी सर इसके अंदर। हम कपास से जो बड़ा बीज है जैसे मक्का का बीज है, ठीक, हाँ भिंडी भी बो देगा ये, ठीक है, और बड़े साइज का कोई भी बीज है उसको बिजाई कर देगा जी। इसकी कीमत 2200 रुपये रहेगी जी। बीज डालने के इसके अंदर ये सिस्टम होता है, एक में खाद डलेगी और एक में बीज डलेगा, और कुछ एक अटैचमेंट इसके साथ फ्री आती हैं। देखो जैसे आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो चीज़ दिख रही है आपको, इसमें कपास का जो बीज होता है वो बिल्कुल प्रॉपर फिट आता है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ एक भाइयों को ये प्रॉब्लम रहती है कि ये 2 बीज इकट्ठे डाल देती है, वो हमारे से संपर्क करें चाहे मशीन उसने कहीं से भी खरीदी हो, ठीक है, हम उसका हल कर देंगे जी। बहुत ही कारगर मशीन है, इससे आप एक देसी भाषा में आपको एक मैं बता देता हूँ, इसको एक एकड़ के अंदर आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ जो फार्मर को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। अगर मैं गलत बोलता हूँ तो हमारे को कमेंट में ये भी बताना कि हमने गलत कहा था। अमूमन किसान 2 से 2.5 थैली डालता है जी एक एकड़ के अंदर, ठीक है। वहाँ ये सिर्फ एक थैली में भी बीज बचने की उम्मीद है सर आपकी, 100% इसमें बचेंगे, मैक्सिमम आप पकड़ लो कि एक थैली लग जाएगी आपकी। यानी 800 रुपये की एक थैली है, 2 थैली बचा दी तो देख लो आप, अपने एक मशीन की कीमत तो एक एकड़ में निकल जाएगी, निकल गई। दूसरा जहाँ एक कट्टा आपा पूरा डालते हैं, एक बैग पूरा आपा, जैसे जो भी आपा इसके अंदर खाद डालते हैं उसकी जगह सिर्फ 3 kg मैक्सिमम यूज है, 3 kg का, 3 kg खाद आपको एक कट्टे से ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। और आजकल का जमाना है उसके अंदर एक एक रुपया बचा के खेती करनी पड़ती है तो ही कुछ फायदा मिल सकता है फार्मर को, अदरवाइज नहीं सर।
एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, अगर इसको सिर्फ ढांचे को देखें तो थोड़ा चाइनीज टाइप सा लगता है कि मतलब चलने में कैसा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। बैठो भाई साहब आप, ये देखो जो इसका प्लास्टिक है ना जी, टूटने वाला नहीं है, इसको ऐसे फेंक सकते हैं जी आप, टूटने वाला प्लास्टिक नहीं है इसका। हाँ मजबूत बॉडी है, ठीक है जी। कोई गारंटी वारंटी? गारंटी वारंटी सर इसकी, इसका पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल रहता है, अगर कोई समस्या आ जाती है तो फार्मर को, तो हम अपने एंड पे इसकी सर्विस दे देते हैं और कस्टमर को पार्ट्स दे देते हैं सर इसका। अब कोई किसान आपसे लेना चाहे तो अपना नंबर बता दो। सर मेरा पूरा एड्रेस बता देता हूँ, आलूवालिया इंटरप्राइजेस, पिलानी रोड, लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा। 9813656688 9813656688 5686 मेरा मोबाइल नंबर है सर, आप मुझे कॉल कर सकते हैं।